एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी, जिसके अंदर ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की एनाटॉमी, लंग्स, लॉब्स एंड एल्वियोलाई एंड द प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी की एनाटॉमी, एंड देन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई विच इज द पैरासिम्पथैटिक एंड सिंपथैटिक सप्लाई ऑफ द लंग्स एंड ब्रोंकस। सो वो हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली, तो रेस्पिरेशन का बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज़ अ गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये लंग्स हैं हमारे, लंग्स एंड दीज आर दी ट्रैकिया। ओके, सो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और ये आपकी ट्रैकिया है। जो फाइनल फंक्शन है वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी यहाँ तक लेके आना लंग्स के अंदर तक। लंग्स में फाइनल क्या होती है, लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई। तो ऑक्सीजन को बाहर से लेके, बाहर के एनवायरनमेंट से लेके एल्वियोलाई तक लेकर आना, और इन एल्वियोलाई के पास में, जैसे ये एल्वियोलाइज यहाँ पर होती है, इन एल्वियोलाई के पास में ब्लड की एक वेसल की वॉल, जो ब्लड की कैपिलरीज है, ये क्या होते हैं, बहुत सारा नेटवर्क बना के रखते हैं यहाँ पर। मतलब ये एक नहीं है तो शो करने के लिए, यहाँ पर ये बहुत सारा इस तरीके से आपका इसकी चारों तरफ इनको एक नेटवर्क बना के रखती है, पल्मोनरी कैपिलरी की ब्रांच। ओके, तो ये जो है हमारी है आपकी पल्मोनरी कैपिलरी। ये जो यहाँ से ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन यहाँ आ गई लंग्स के अंदर, लंग्स में फाइनली ये एल्वियोलाई में आ गई, और ये ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जाएगी, और पल्मोनरी कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बॉडी से फाइनल ये पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई है, ये चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और फिर ये चली जाएगी बाहर थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रैकिया। ओके, तो यहाँ पर जो हो रहा है, ये हो रहा है गैस का एक्सचेंज बिटवीन दी एल्वियोलाई एंड दी पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स में आ गई है, ये पूरी बॉडी के अंदर फाइनल सिस्टम में, एओर्टिक सिस्टम, पूरे सिस्टम में चली जाएगी। ये कैसे जाएगी, क्योंकि हमने ये जैसे हर्ट होता है, हर्ट में ये राइट हर्ट है, ये लेफ्ट हर्ट है, तो लेफ्ट हर्ट में कहाँ से ब्लड आता है, लंग्स से आता है। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिली रहती है। अभी मैंने जो यहाँ पर बात करी कि पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ये एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, और जो यहाँ पर ब्लड है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में थी, जो प्रोड्यूस हुई थी थ्रू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वो फाइनल पल्मोनरी कैपिलरी में आके ये बाहर चली गई। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू दीज कैपिलरी फाइनली, एंड देन इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये फाइनली यहाँ से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ aorta भेज दिया जाता है। ओके, अब ये aorta से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडीज में क्या है, टिश्यूज़ है। ओके, देर आर टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो ये ऑक्सीजन आपकी कहाँ चली गई, टिश्यूज़ में चली गई विद द हेल्प ऑफ ब्लड। टिश्यूज़ में क्रेब्स साइकिल चलती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑक्सीजन टिश्यू ने ले ली, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ओके, थ्रू दी दिस इज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में गई, और फिर ये वापस आप ये इस वाले में नहीं जाएगी, ये पूरी ब्लड वेसल्स के थ्रू जो वेन्स हैं, वेन्स में चली जाएगी ये, और वेन्स के थ्रू ये आएगी राइट एट्रियम में। ओके, थ्रू द हेल्प ऑफ इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम द लोअर ऑर्गन्स, जो लोअर ऑर्गन्स हैं उनसे इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, और जो हायर ऑर्गन्स हैं जैसे अपना हेड है, आपके अपर आर्म्स हैं, इनके थ्रू सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और ये राइट एट्रियम में आके यहाँ राइट वेंट्रिकल में चली जाएगी, और फिर यहाँ से वापस लंग में चली गई फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, तो ये बेसिकली एक साइकिल पूरा होता है कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है, उसको यूज़ करती है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करके उसको बाहर निकालती है। तो अगर हम देखें इसमें हमारे रेस्पिरेशन में तीन प्रोसेस होते हैं, वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन,
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज अ होल. मतलब ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ रहा है. दूसरा होता है यानी कि नोज से लेके ब्लड तक पहुँचाना, उसको दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. उसके बाद ब्लड में इसको कैसे मूव करना है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ये कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टू ब्लड. ओके, और ये पूरा ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, टिश्यू तक जाएगा ये, और फाइनली टिश्यूज में जो भी कुछ हो रहा है दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री प्रोसेस. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हम मैकेनिक्स एनाटमी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती है, लंग का क्या रोल है, प्लूरा का क्या रोल है, डायफ्राम का क्या रोल है, और यहाँ पर रिब्स होती हैं, चेस्ट वॉल होती है, तो इन सब का क्या रोल है, ये सब आते हैं आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में. फिर ये बॉडी में ब्लड के अंदर ये कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन से टिश्यू, ऑक्सीजन जो है लंग से टिश्यू में कैसे जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग में कैसे आ रही है, दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल, और या टिश्यू लेवल में इस ऑक्सीजन को यूज़ करके कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इंटरनल रेस्पिरेशन आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो हम यहाँ दो चीज़ें को डील करते हैं. ओके, तो ये जो आप इसको हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में, अभी हम पहले बात करेंगे कि इस ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें हमारे पास क्या क्या ऑर्गन है. एक है हमारा ट्रैकिया, ये होती है सबसे पहले ट्रैकिया. अब ट्रैकिया कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमारी जो ऑक्सीजन है, इस डायग्राम को आप देखें, ये बाहर के एनवायरनमेंट से यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है. ये नेजल के थ्रू हो सकता है, नाक से भी आप सांस ले सकते हो, मुंह से भी आप सांस ले सकते हो. तो ये नोज है हमारी, ये कैविटी है नेजल कैविटी, या फिर आप माउथ से ले सकते हो, ये माउथ है, और ये आपकी है ओरल कैविटी. ओके, तो आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो इन दो स्पेसेस से कहीं भी कर सकते हो. अब इसका जो पीछे का जो पोर्शन होता है, जो नेजल के पीछे का पोर्शन है ये वाला, इसको आप पूरा कवर ले लें, तो दिस इज नोन एज नेजोफेरिंग्स. और माउथ के पास जो पीछे का पोर्शन है ये वाला, ये है आपका ओरोफेरिंग्स. सो दिस इज नेजल कैविटी इज यू कैन से नेजल कैविटी के पीछे वाला पोर्शन इज नोन एज नेजोफेरिंग्स, एंड ओरल कैविटी के पीछे का पोर्शन इज ओरोफेरिंग्स. सो नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स आके मिलके आगे ट्राकिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आगे जो है ट्रैकियल पोर्शन है, ट्रैकिया में आपकी एयर आ जाती है. ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ, इट्स अ वेरी सॉफ्ट ट्यूब, बट हियर देयर इज अ सी शेप्ड कार्टिलेज. ये कार्टिलेज सपोर्ट के लिए होते हैं, जिससे कि एक्सपिरेशन के टाइम पे कॉलेप्स ना हो जाए, ठीक है, ये ट्रैकिया से चिपक ना जाए, कॉलेप्स ना हो जाए. सो दैट इज़ फॉर द सपोर्ट, दे आर सी शेप्ड. ये क्या होते हैं, सिर्फ एंटीरियरली होते हैं, यानी फ्रंट पे होते हैं एंटीरियरली, पीछे की तरफ ये एब्सेंट होते हैं. पीछे वैसे भी वर्टेब्रल कॉलम है जो इसको सपोर्ट दे देता है, एंटीरियर कोई सपोर्ट नहीं, इसलिए हाफ होते हैं, सिर्फ सी शेप कार्टिलेज होते हैं इन दैट वे. नाउ हमारे पास हैं बॉडी में दो लंग, ह्यूमन लंग, देर आर टू लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. यू कैन सी हियर द राइट लंग इज हैविंग थ्री लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज ओनली टू लोब्स. ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. राइट में इसको अपर लोब बोलेंगे, फिर मिडिल लोब है, एंड देन लोअर लोब. सो राइट लंग हैज थ्री डिवाइडेड इंटू थ्री लोब्स, अपर, मिडिल एंड लोअर. द लेफ्ट लंग हैज ओनली टू, अपर एंड लोअर लोब, अपर लोब एंड लोअर लोब. ओके, तो एक तो होगी लंग्स की एनाटमी. लंग्स इज मेड अप ऑफ द एल्वियोलाई. हियर ट्रैकिया, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस. तो ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है ब्रोंकस में, एक राइट ब्रोंकस, एक लेफ्ट ब्रोंकस. लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पे, राइट ब्रोंकस थोड़ी सी वाइडर है और कंपैरेटिवली स्ट्रेटर है, ठीक है. तो राइट जो ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस इज कंपैरेटिवली वाइडर एंड
स्ट्रेटर एज कंपेयर टू द लेफ्ट. वाइडर मतलब थोड़ी चौड़ी ज्यादा है इसके कंपेयर में. और अगर ये देखो जैसे कि ये अगर थोड़ा ऐसे जा रही है एंगल पे तो इसका एंगल थोड़ा कम है. इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल यहाँ तक आ जाए तो वो फॉरेन पार्टिकल कौन सी साइड में ज़्यादा जाने का चांस हो गया, राइट साइड में. इसलिए राइट साइड के लंग के इन्फेक्शन के चांस एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग आर मोर कॉमन, क्योंकि राइट जो ब्रोंकस है वो मोर वाइडर एंड मोर स्ट्रेटर है. तो जो भी कोई पार्टिकल है उसके चांसेस राइट लंग में जाने के ज़्यादा होते हैं. और इसका इंपॉर्टेंस है कोई इन्फेक्शन है या कार्सिनोमा है हमेशा लार्जर में राइट लंग में उसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये हो गई इसकी एनाटॉमी आपकी लंग की. अब ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो रही है ब्रोंकस में, इस पूरा ये पूरी की पूरी 23 पोर्शन में डिवाइड होती है. 23 पोर्शन में, तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो ट्रैकिया के बाद क्या है, ब्रोंकाई. ब्रोंकाई भी अब आप यहाँ देखें ये ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है. ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है. ब्रोंकाई भी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड होती है. ओके, ये भी आपकी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड होती है. प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकस. उसके बाद और छोटे पोर्शन में डिवाइड होती है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स. सो ब्रोंकाई बड़ी चीज़ है, ब्रोंकियोल्स छोटी चीज़ है. ओके, ब्रोंकियोल्स भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड होती है. ठीक, लेकिन इसके बाद ये टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में भी डिवाइड होती है. तो आप याद रख सकते हो कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स दोनों ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड होती है. लेकिन ब्रोंकियोल्स में दो चीज़ें और ऐड हो रही हैं, एक टर्मिनल ब्रोंकियोल यानी लास्ट वाली ब्रोंकियोल को टर्मिनल कह रहे हैं, और फिर क्योंकि ये एल्वियोलर के पास आ रही है उसका नाम होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल. ओके, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद ये ट्री पूरा डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट में, उनको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर सैक एंड देन फाइनली एल्वियोलाई में आपकी एयर आती है. ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है यानी कि नोज से लेके ट्रैकिया तक, इसको हम पहले नोज, नेजल कैविटी एंड ट्रैकिया, ये जो सारा का सारा चीज़ है इसको हम इसे कहते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री ब्रोंकस. मतलब ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री एल्वियोलाई को अलग कर दिया जाता है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन. तो हम दो चीज़ों में इसको डिवाइड करते हैं. जो 23 पूरे पोर्शन हैं, कंडक्टिंग जोन अप टू 16th होता है, और कहाँ तक होता है, अप टू टर्मिनल. तो याद रखने की बात है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी आप याद रख रहे हैं तो रेस्पिरेटरी वर्ड भी याद रख लें कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके नीचे तक का जो एल्वियोलर सैक का तक का पोर्शन है उसको हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं. इसका एक रीज़न भी है वो मैं भी बताती हूँ. तो 16 तक कंडक्टिंग जोन है, तो टर्मिनल कौन सा पोर्शन है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स इज 16th, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इज 17th. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक, दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी जोन फ्रॉम 17 टू 23rd. और ये जो है मॉडल दिया था वीबल ने, WEIBEL वीबल मॉडल है ये. ओके, इन सब पे MCQs आ जाते हैं आपके. ये जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, इनमें यूजुअली क्वेश्चंस थ्योरी में नहीं पूछा जाता. क्वेश्चंस के लिए इसमें तो वाइवा में ये चीज़ें पूछी ली जाती हैं आपसे, बेसिक चीज़ें हैं, और आपके इनमें से MCQs बनते हैं. स्पेशली जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा कंडक्टिंग जोन है, कौन सा रेस्पिरेटरी जोन है, किसने से कितने तक होता है, कार्टिलेज है उसमें एंटीरियरली, ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं आपके इसमें आपके MCQ के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो दीज आर द टू जोन्स, कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी. अब कंडक्टिंग का वर्ड है कि इसका मतलब ये है ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करने के लिए यूज़ होता है. मतलब इसके थ्रू सिर्फ एयर आ रही है, जा रही है, वो गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ नहीं हो रही. गैसेस एक्सचेंज मतलब जो मैंने आपको बताया था एल्वियोलर कैपिलरी के बीच में जो एक्सचेंज है, दिस इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज. तो इसके लिए कंडक्टिंग जोन वाली यूज़ नहीं हो रही. और ये जो स्पेस है, इसलिए क्योंकि एयर तो आ रही है, जा रही है, लेकिन यूज़ नहीं हो रही है एक्सचेंज के लिए, हमें तो फाइनल एक्सचेंज से मतलब है, तो इसलिए इस जोन को हम कहते हैं डेड स्पेस. इसको हम कहते हैं डेड स्पेस. और ये डेड स्पेस स्पेशली ये है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, क्योंकि ये एनाटॉमी की वजह से है, इस तरह की एनाटॉमी है, तो ये डेड स्पेस कहलाता है जो कंडक्टिंग जोन का एरिया है. और नॉर्मली हमारी बॉडी में यूजुअल जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, वो होती है 150 ml. तो 150 ml की जो गैस है, जो मतलब एयर है, वो अपने यहाँ पर इस जोन में अटकी रहती है और वो एक्सचेंज के लिए यूज़ नहीं हो पाती. दैट इज़ 150 ml.
ओके। रेस्पिरेटरी जोन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से शुरू होता है। यहाँ क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं इनमें भी थोड़ी थोड़ी एल्वियोलाई शुरू हो जाती है होना। जैसे आप बेल डायग्राम बनाया यहाँ पर देखेंगे तो हैं तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, पर इनमें थोड़ी थोड़ी एल्वियोलाई कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। तो फ्यू ऑफ द एल्वियोलाई आर प्रेजेंटिंग फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एंड क्योंकि एल्वियोलाई हैं यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज भी होगी, यहाँ एक्सचेंज भी होगा, तो ये कहलाता है ये और एल्वियोलाई का पोर्शन सारा, यानी इससे नीचे उन सारे में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए उसका नाम है रेस्पिरेटरी जोन। तो यू अंडरस्टैंड कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में डिफरेंस है कि एक्सचेंज वहाँ नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज हो रहा है। फाइन, अब हम बात करते हैं कि ये एल्वियोलाई कितनी है। ये एल्वियोलाई अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोलाई हैं ह्यूमन के लंग में। 300 मिलियन, आप यू कैन इमेजिन, और इनका सर्फेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई हैं। इन एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर क्या है, कि एल्वियोलाई के पास क्या चीज़ है, मैंने आपको भी बताया कि एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई के पास होती है आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज। ओके, यहाँ पे क्या भरा हुआ है बताइए, ब्लड भरा हुआ है। तो क्योंकि जो ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड के थ्रू और फिर ब्लड में जाके टिश्यू में चली जाती है, और ब्लड में क्या पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बाहर आ जाती है और उसके थ्रू फिर ये बाहर चली जाएगी बॉडी से। सो दीज आर दी गैसियस एक्सचेंज एनाटॉमी दैट एल्वियोलाई के नियर बाय पल्मोनरी कैपिलरी की ब्रांच है, और ये एक्सचेंज ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अंडरस्टैंड, दीज एल्वियोलाई आर मेड अप ऑफ, ये देखिए इनकी जो वॉल है, ये दो तरह की सेल बनी हुई है, एक तो ये सिंपल जो फ्लैट टाइप की सेल है और एक दूसरी है अमोइबॉइड टाइप की सेल, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा अमीबा टाइप से होता है। तो ये दो तरह की सेल्स हैं, ये हैं आपकी टाइप 1 न्यूमोसाइट, और ये अमोइबॉइड वाली जो है ये है आपकी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो क्या क्या सेल्स होती हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, और इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं डस्ट सेल्स, या इनका नाम है मैक्रोफेजेस, पल्मोनरी मैक्रोफेजेस कहते हैं इनको। ये तीन तरह की मेजर सेल्स हैं, बाकी इनके अलावा भी कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि ईसनोफिल भी होती हैं, मास्ट सेल्स भी होती हैं, लिम्फोसाइट्स भी होती हैं। ईसनोफिल और मास्ट सेल्स जो हैं, और ये लिम्फोसाइट्स, ये सारी ब्लड में से आई सेल्स हैं ना, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती हैं, आप याद रख सकते हो। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में आपको जानना है। टाइप 1 सेल्स 95% ऑफ सरफेस एरिया को कवर करती हैं, मतलब मेजर जो सेल्स हैं वो टाइप 1 सेल्स हैं। इनका मेजर काम है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। सिर्फ 5% एरिया होता है सरफेस एरिया जो कि टाइप 2 सेल्स कवर करती हैं, एंड इनका काम है सर्फेक्टेंट को सिक्रीट करना। दे सिक्रीट द सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है जिसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, कि ये एक लिक्विड टाइप का सिक्रीट करती है सब्सटेंस। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रीट्स दी लिव सर्फेक्टेंट, ओके, एंड दे आर 5% ओनली। और अगर कभी लंग इंजरी हो जाए, तो क्योंकि मेजर सेल्स कौन सी हैं, टाइप 1, लंग इंजरी हो गई तो ये टाइप 2 सेल्स में एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये बहुत अपने आप से टाइप 1 सेल्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब उनको बना सकती है। तो एक तरह से इसका काम होता है रीजनरेट द एल्वियोलर वॉल ड्यूरिंग लंग इंजरी, मतलब अगर लंग में कोई इंजरी हो गई तो ये रीजनरेशन का काम भी कर सकती है, और ये कह सकते हो इसको दे कैन फॉर्म दी टाइप 1 सेल्स, यानी कि ये टाइप 1 सेल को बना सकती है, टाइप 2 से टाइप 1 सेल्स बन सकती है, ओके, और टाइप 2 से सर्फेक्टेंट सिक्रीट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डस्ट सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, जो कि किसी भी बैक्टीरिया या कोई भी पार्टिकल, अगर फॉरन पार्टिकल लंग्स तक आ जाए, एल्वियोलाई तक पहुँच जाए, तो उसमें ये इनको खा के ख़त्म कर देती है, यानी एनगल्फ कर लेती है बैक्टीरिया को और कोई भी फॉरन पार्टिकल को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर साइज़ का है, मोर देन 10 माइक्रोमीटर साइज़ का है, यानी कि बड़ा है, तो नोज़ में हमारे सिलिया होते हैं,
ट्राकिया तक भी हमारे सिलिया होते हैं, ये वहीं पर इनको एनगल्प, सॉरी ये तो ये जो मोर देन 10 माइक्रोमीटर मतलब बड़ा साइज है, तो नोज़ में जो हेयर्स हैं वही इनको एनगल्फ मतलब ट्रैप करके रख लेते हैं। और वहाँ पे म्यूकस भी है, जो नोज़ में आपके म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे, तो म्यूकस सिक्रीट करती है और उन पे ये बैक्टीरिया है या कोई फॉरेन पार्टिकल चिपक जाता है। अगर उससे छोटा पार्टिकल है 2 to 10 माइक्रोमीटर का, तो वो ट्राकिया तक में जा सकता है, ट्राकिया में और ब्रोंकियल ट्री तक में जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा है ट्राकिया ब्रोंका, यहाँ पर सिलिया होते हैं, ऐसे इसकी वॉल में सिलिया होते हैं। और इन सिलिया का जो मूवमेंट है वो कैसे होना चाहिए, अंदर की तरफ तो नहीं होना चाहिए, तो अंदर पहुंच जाएगा सब कुछ, बाहर की तरफ होना चाहिए ऑब्वियसली। तो इनका जो मूवमेंट है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है, आउटवर्ड और यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, जिससे कि ये इनको बाहर निकाल सकें। और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सेलेटर एस्केलेटर मैकेनिज्म, दैट इज एस सिलिया सिलियरी एस्केलेटर मैकेनिज्म, ओके। और ये जो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, सिर्फ अपवर्ड होता है। तो यहां पे जो सिलिया है इनका मूवमेंट सिर्फ अपवर्ड है, फाइन। और अगर कोई लेस देन 2 माइक्रोमीटर है, तो अब ट्राकिया ब्रोंकाई सबको घूमते हुए ब्रोंकियल्स को जाते जाते लंग में पहुंच सकता है। और लंग में क्या होगा, लंग में है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल्स, जो उसको एनगल्फ करके खा सकती हैं। अभी मैंने बताया आपको लंग्स में 3 तरह की सेल्स है, टाइप 1, टाइप 2 एंड डस्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, अदर सेल्स आर ऑल्सो देयर, मास सेल्स, इज मफिल। तो जो डस्ट सेल है, मैक्रोफेजेस है, वो ये अगर लेस देन 2 माइक्रोमीटर का कोई साइज का पार्टिकल आ रहा है तो उसको एनगल्फ कर सकती है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट पोर्शन इस वीडियो में हमें पढ़ना था कि इसमें जो सप्लाई है ट्राकिया की वो क्या है, सिंपैथेटिक सप्लाई एंड पैरासिंपैथेटिक, मतलब ऑटोनॉमिक सप्लाई क्या है आपकी। तो ऑटोनॉमिक जो सप्लाई है वो हमारी 2 तरह से होती है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिंपैथेटिक सप्लाई। एंड पैरासिंपैथेटिक, ओके। सिंपैथेटिक सप्लाई इज बाय द बीटा 2 रिसेप्टर, रिसेप्टर से याद रखने, क्योंकि कोई भी केमिकल है वो एक रिसेप्टर पे काम करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक के बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग रिसेप्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए बीटा 2 रिसेप्टर है, और इसके लिए पैरासिंपैथेटिक के लिए मस्कारिनिक रिसेप्टर, नाम याद रख सकते हैं, बीटा 2 एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर्स। एक खास चीज़ है कि ये स्टिमुलेट करके ब्रोंको डायलेशन करते हैं, मतलब ब्रोंकस को डायलेट कर देते हैं, ब्रोंको डायलेशन। तो ब्रोंको डायलेशन हेल्पफुल है, क्योंकि अगर ब्रोंकस का डायलेशन हो रहा है तो अच्छे से रियली अच्छे से आपका सांस आएगा आपको, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स। मस्कारिनिक रिसेप्टर पैरासिंपैथेटिक के थ्रू क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ओके। एंड ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ इंक्रीज सिक्रीशन भी करते हैं, किसका सिक्रीशन, म्यूकस का, और ये डिक्रीज करते हैं सिक्रीशन को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एस्थमा का अटैक हो जाए, एस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हम बीटा 2 के जैसी काम करने वाली दवाई दे सकते हैं, जिसको हम बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं। एक जैसा काम करने वाली चीज़ को हम एगोनिस्ट बोलते हैं, कोई किसी रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करे तो उसको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। तो हम यहाँ क्या दवाई दे सकते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं, जिससे ब्रोंको का डायलेशन हो जाए और आप एस्थमा का अटैक खत्म हो जाए। जैसे आपने देखा होगा इन्हेलर देते हैं, कई कई आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो इन्हेलर देते हैं, एकदम से ऐसे सांस मतलब इन्हेल कर लेते हैं और उसको आराम से आराम हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, सालब्यूटामोल होता है, सालब्यूटामोल इज अ बीटा 2 एगोनिस्ट, सालब्यूटामोल दवाई होती है जो कि इन्हेल करी जाती है। इन्हेलर में कौन सी दवाई है, सालब्यूटामोल, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करती है, इसलिए ध्यान रखना है कि ब्रोंकस का डायलेशन सिंपैथेटिक के थ्रू होता है और बीटा 2 रिसेप्टर है, ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन पैरासिंपैथेटिक के थ्रू है, जहाँ पे मस्कारिनिक रिसेप्टर है। एक और चीज़ है कि मैक्सिमम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किस टाइम होता है, यानी कि ब्रोंकस का जो मैक्सिमम कंस्ट्रिक्शन है पूरी, ये आपका जो है इसमें डायरनल वेरिएशन है, यानी कि सुबह में, सुबह 6 AM पे, 6 बजे सुबह मैक्सिमम ब्रोंको
कंस्ट्रिक्शन होता है। और शाम को 6 बजे मैक्सिमम ब्रोंको डायलेशन होता है। ओके, यानी कि मैक्सिमम जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे होता है और मैक्सिमम ब्रोंको डायलेशन शाम को 6 बजे होता है। तो मैक्सिमम चांस अस्थमा के किस टाइम के होने चाहिए? जब मैक्सिमम कंस्ट्रिक्शन होगा। तो कब होगा वो? सुबह को 6 o'clock के आसपास। तो मॉर्निंग में अस्थमा के अटैक्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। फाइन, तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा फंक्शनल एनाटॉमी, जिसमें लंग्स, ट्राकियोब्रोंकियल ट्री, ओके, एंड प्लूरा के बारे में भी एक देख सकते हो। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। तो प्लूरा का क्या है, दो तरह की लेयर है, मतलब लेयर जो है दो टाइप की है प्लूरा। एक होती है विसरल प्लूरा, एक होती है पैराइटल प्लूरा। जो लंग्स पे पूरी तरह चिपकी रहती है वो होती है विसरल प्लूरा, और उसके बाहर की जो कवरिंग है वो जो चेस्ट वॉल से चिपकी हुई है तो उसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। और उनके बीच में एक थोड़ा सा फ्लूड होता है, सिर्फ 2 ml का थोड़ा सा फ्लूड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूड या प्लूरल फ्लूड बोलते हैं उसको बेसिकली। तो अगर जैसे सपोज करिए ये लंग है और ये मैं बना देती हूँ चेस्ट वॉल, क्योंकि इसके बाहर चेस्ट वॉल होगी जिसमें हमारी रिब्स होंगी, ये चेस्ट वॉल है, ठीक है। तो एक लेयर तो बिल्कुल इसके एकदम बिल्कुल चिपकी हुई रहती है जिसका नाम है विसेरल प्लूरा, ओके, और एक दूसरी जो लेयर होती है वो बिल्कुल चेस्ट वॉल से चिपकी रहेगी जिसका नाम है पैराइटल प्लूरा, ओके, ये चेस्ट वॉल है हमारी। और इसके बीच में जो फ्लूड है उसका नाम है प्लूरल फ्लूड, और ये 2 ml के आसपास होता है। और ये दोनों लेयर इस तरीके से आपस में चिपकी हो रहती हैं जैसे कि कोई भी एक कांच की दो प्लेटें हों जिनके बीच में एक थोड़ा सा पानी हो, मॉइस्चर टाइप से हो, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तो कर सकती हैं लेकिन अगर आप उन्हें सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट नहीं होती। तो विसरा जो है, जो विसरल प्लूरा पैटल प्लूरा है, वो बिल्कुल इस तरीके से काम करती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फंक्शनल एनाटॉमी एंड दिस वीडियो।